किसी भी हालत में पेंशन 5100 मिलेगी, 5100 आएगी खाते में। बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी, सभी बुजुर्गों के खाते में 5100 बुढ़ापा पेंशन डालने के आज से लेटर जारी कर दिया गया है। उनके खाते में 2 दिन के अंदर अंदर बुढ़ापा पेंशन की 1-1 राशि पहुँच जाएगी। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा बुढ़ापा पेंशन सबसे बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में कई बुजुर्गों की फर्जीवाड़े की कमी से बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है। उसके लिए भी एक नया प्रावधान बनाया गया है और उनके खाते में बुढ़ापा पेंशन डालने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन जिला वाइज जिला सभी के खाते में डाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि दस्तावेज दूसरे ज़िले के हैं और बुढ़ापा पेंशन वह दूसरे ज़िले मिलेगा। हरियाणा समाज कल्याण विभाग से और एक बुढ़ापा पेंशन को लेकर के लेटर जारी हुआ है। उनके खाते में बुढ़ापा पेंशन आज से ट्रांसफ़र करने के आदेश जारी हैं और हर हालत में 10 दिन के अंदर अंदर बुढ़ापा पेंशन की 1-1 राशि पहुंच जाएगी। यानी कि 20 तारीख तक हर हालत में प्रत्येक बुजुर्गों के खाते में बुढ़ापा पेंशन पहुंच जाएगी। हरियाणा में कई बुजुर्गों और विधवा विकलांग का कहना है कि हमारी बुढ़ापा पेंशन जनवरी महीने से रुकी हुई है। नायब सिंह सैनी ने उन्हें आश्वासन दिलाया है और कार्यालय में कहा है, आप सभी लोग चिंतित ना होइए, आपकी जनवरी महीने से बुढ़ापा पेंशन जुड़ कर आएगी। दोस्तों जुड़े रहें, न्यूज़ 8 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।